मैनपुरी में समाज कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया। इसके साथ ही सदर सुलह अधिकारी देवेंद्र कटारिया ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने वृद्धाओं की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर जल्द ही शिविर लगाने का भी आश्वासन दिया गया है। आंखों में कुछ लोगों के मोतियाबिंद भी है और कुछ को आईसाइट का भी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ बहुत जल्दी एक आई कैंप के लगवाने की व्यवस्था करवाऊंगा और जिसको जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करूँगा। आज वृद्धाश्रम पर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव जस्टिस श्री गौरव प्रकाश जी का निरीक्षण था। किसी कारणवश नष्ट हो गया था वो। आज सुलाधिकारी देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ करीब 62-63 वृद्ध लोग उपस्थित थे। यहाँ पे इत्तेफाक था कि यहाँ पे कमला नेत्र चिकित्सालय के अभिषेक डॉक्टर अभिषेक यादव जी उपस्थित थे। उनके मेरे कहने पर उन्होंने वृद्ध लोगों को निरीक्षण किया, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में भी देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे बुजुर्ग लोगों की उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कोई समस्या है।